फाइनली 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 देख ली है अवतार द वे ऑफ वाटर। तो दोस्तों मैंने फाइनली देख लिया अवतार द वे ऑफ वाटर डायरेक्टेड बाय जेम्स कैमरॉन। भाई साहब इसका जो मज़ा है ना, मैंने तो 3D में मूवी देखी है, पर जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है मूवी कैसी है, फर्स्ट पार्ट से अच्छी है नहीं है, पर वो ओवरऑल देखने में अगर मैं बात करूँ शुरुआत करूँ तो पहले बात तो मैं ये कहूँगा कि मूवी के जो है विजुअल के बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं कहूँगा, कि मूवी के विजुअल्स तो भाई टॉप नॉच होंगे ही। हम बात करेंगे मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में। ओवरऑल कहूँ तो मूवी की जो है पिछली जो स्टोरी लाइन है उससे ही थोड़ी बहुत कंटिन्यू है। अगर अपने जो है पिछला पार्ट अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको पहले जो है पिछला वाला पार्ट देखना ज़रूरी है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला पार्ट है उससे ही सेकेंड वाला पार्ट लिंक है। इसमें जो है आपको जो है अपने जो है हीरो उसके जो है जो चिल्ड्रन लोग हैं जो बेटे लोग हैं उनका जो है इसमें आपको आगे का सफ़र दिखाया जाएगा, उनसे जो है मूवी लिंक होगी। और मुझे तो यही लगता है कि अवतार 3 में भी इनका कुछ बहुत ही बड़ा एक लिंक होने वाली है। और इसमें मुझे एक जो स्टोरी में एक डेप्थ और एक पॉजिटिव चीज़ ये लगी कि उन्होंने जो वाटर के जो सीन्स बताए उनमें के जो जानवर बताए उन जानवरों की भी कुछ ना कुछ स्टोरी बताई गई है। मैं भी मीन्स थोड़ा बहुत शॉक हो गया, पर ओवरऑल जो कहानी बताने का तरीका है, फिर जो मीन्स जो जानवर है उसकी आप बैक स्टोरी कैसे पता लगाते हो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है उन्होंने बताया हुआ है। जो है 13 साल के बाद मूवी आ रही है और मुझे लगता है ये वर्थ इट मूवी है ओवरऑल, क्योंकि ये बजट मुझे लगता है 25.1 USD में कुछ ये मूवी बनी है, जो कि जो पिछले वाले पार्ट से भी 2 करोड़ USD ज़्यादा है मूवी की। तो उसमें तो आपको विजुअल इफेक्ट में तो आपको मुझे लगता है बढ़िया काम दिखेगा ही, जो वाटर के सीन से वो भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा रियल है। मुझे तो एक टाइम ऐसा लगा कि ऐसा कोई वर्ल्ड है, ऐसा कोई चल रहा है कहीं ना कहीं। पर ओवरऑल जो है विजुअल में भाई मूवी बहुत ही बढ़िया है, डायरेक्शन जेम्स कैमरॉन का बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जो ओवरऑल उन्होंने जो है जो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने जो मोशन कैप्चर लाया था इसमें भी उन्होंने जो है कैमरा यूज़ किया है, वो कैमरे में भी उन्होंने बहुत ही अच्छी मूवी मीन्स पूरी मूवी शायद उन्होंने 3D कैमरा या कोई नई कैमरे से उन्होंने शूट की है। और ओवरऑल जो दिख रहा है ना वो आपको लगेगा कि पिछले वाले पार्ट से आपको जो है इस मूवी के जो विजुअल बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। पर मुझे एक चीज़ एक अच्छी नहीं लगी, अगर इसकी स्टोरी लाइन और दमदार होती, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं स्टोरी में पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या चलने वाला है। और जो विलन है वो पिछले विलन से ही लिंक है, उसका वही विलन है, बस वो अवतार के इसमें आपको जो है ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। पर ओवरऑल जो है विलन से आप कैसे डरते हो, जैसे पहले पार्ट में आप विलन से डर रहे थे कि काश ये हीरो को मार ना दे, वैसे ही सेकेंड पार्ट में वैसे मीन्स आपको कुछ डर दिखता ही नहीं, क्योंकि विलन इतना ठंडा बताया गया आपको, एकदम शांत हुआ। और एंड में तो अब मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या होता है, पर ओवरऑल जो है मूवी का एक्सपीरियंस अच्छा है, पर स्टोरी लाइन ठीक ही लगती है पहले पार्ट से, पर फिर भी वर्थ इट है। और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इतना कुछ अब तक तो नहीं दिख रहा है, पर देखते उसमें अब हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। पर ओवरऑल अगर कहूँ तो मैं तो इतना कहूँगा विजुअल में मूवी अच्छी है, स्टोरी में थोड़ी सी ढीली पड़ गई, डायरेक्शन सिनेमेटोग्राफी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, सिर्फ 3 आवर्स का जो रन टाइम है, स्क्रीन प्ले थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी लगता है आपको, क्योंकि आप इसमें के जो है 10-15 मिनट शायद काट सकते थे, पर उन्हें जो है दिखाना था कि ये देख लो, ये सिनेमेटोग्राफी देख लो, ये 3D है, ये नकली है, पर फिर भी देखो इसे असली मानो, उन्होंने ऐसा इसके लिए मुझे लगता है उन्होंने 10-15-20 मिनट का जो है रन टाइम ज़्यादा कर लिया, उसके वजह से स्क्रीन प्ले मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा खींचता है, थोड़ा बोरिंग आपको लगता है, पर ओवरऑल जो मूवी का एक्सपीरियंस है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों यही है मेरा रिव्यू, अगर रिव्यू पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना यार, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।